हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्यात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का छठा लेसन हमने कल चालू कर दिया था। नाम था इसका उत्पादन फलन। तो कल हमने देखा था कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। फलन का अर्थ था दो चरों के मध्य गणितीय संबंध या मात्रात्मक संबंध, जिसमें एक चर आश्रित होता है और दूसरा चर स्वतंत्र होता है। तो उत्पादन फलन के अंदर हमारा उत्पादन की मात्रा तो आश्रित चर है, और वो किस पर आश्रित है? उत्पादन के साधनों पर। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर उत्पादन फलन किसे कहते देख लिया था, उत्पादन फलन की विशेषता और मान्यताओं को भी देखा था, और चित्र के द्वारा हमने इसको थोड़ा बहुत समझ भी लिया था। आज अपन देखेंगे उत्पादन फलन के प्रकार। बच्चों, उत्पादन के फलन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जैसा कि नाम से क्लियर है, अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म और दीर्घकालीन मतलब लंबा समय। तो अभी मैं आपको दोनों के बारे में परिभाषा बताते हुए फिर आज हम अपन सिर्फ अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बच्चों, अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, मीन्स कम समय के लिए। क्योंकि मैंने उत्पादन फलन की विशेषता में एक बात बताई थी कि इसमें समय सीमा निश्चित होती है, मतलब एक निश्चित समयावधि के अंदर हम उत्पादन फलन की बात करते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर हम छोटी समयावधि के अंदर जब हम उत्पादन फलन की बात करेंगे कि किस प्रकार उत्पादन के साधनों में चेंज होगा, तो उत्पादन में चेंज आएगा, ये चीज हम देखेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन। अब क्योंकि नाम से ही है कि अल्पकालीन यानी कम समय, तो बच्चों हमें अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर ये बात ध्यान में रखनी है कि अल्पकाल में मात्र कुछ साधनों में ही परिवर्तन होगा, सभी साधनों में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात अल्पकाल के अंदर कुछ साधन स्थिर रहेंगे, कुछ साधनों की पूर्ति बेलोचदार रहेगी और कुछ साधनों की पूर्ति लोचदार रहेगी। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को आप इस तरह समझ लीजिए कि जब हम उत्पादन फलन की बात कम समय के लिए करते, कम समयावधि के अंदर करते, जहाँ पर उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते, तो इसे हम कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। और अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर हमारी तकनीक स्थिर रखेंगे और श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे। अब जब हम बात करते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन लॉन्ग पीरियड यानी या लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, यानी जहाँ पर अधिक समय की बात की जाती है। और जब हम लंबे समय की बात करते हैं, तो बच्चों अच्छे से याद रखना है कि जब हमें समय अधिक मिलेगा तो हम जो हमारा उत्पादन के सभी साधनों के अंदर अपन परिवर्तन कर सकेंगे, और सभी साधनों में हम परिवर्तन करेंगे तो सभी तो हमारा उत्पादन भी अलग आएगा। तो इसका जो अल्प दीर्घकालीन उत्पादन फलन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की जैसे मैंने आपको परिभाषा बता दी, अब अपन देखेंगे कि इसके और क्या क्या नाम है। तो पहले इसके नाम देख लीजिए। अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं, साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, और घटता हुआ सीमांत उत्पादकता का नियम भी कहते हैं। अलग अलग समय के ऊपर इसके नाम बदलते गए, लेकिन अब जो प्रचलन में नाम है वो सीमांत उत्पादक, घटते हुए सीमांत उत्पादकता का नियम। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके अंदर किस प्रकार से जो परिवर्तनशील साधन है उसमें हम चेंज करते हैं और कुल उत्पादन के ऊपर चेंज आता है। तो देखिए, मैंने एक सारणी बनाई है। जैसे हम मैंने आपको पहले ही कहा था कि अल्पकाल के अंदर हम केवल साधनों के कुछ साधनों को तो स्थिर रखना पड़ता है, कुछ साधनों में परिवर्तित करते हैं। तो हम अल्पकाल के अंदर भूमि और तकनीक दोनों को तो क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और श्रम को बदलेंगे। माना भूमि की अपन ने एक इकाई को ही रखा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, श्रम को बढ़ा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 श्रम को मान लो घंटों में मान लो, और इसको मान लो हेक्टर के अंदर। अब भूमि की मात्रा को स्थिर रखा है, श्रम की मात्रा को हम बढ़ाते गए, तो हम देखते हैं कि कुल उत्पादन भी बढ़ता हुआ जाता है, जैसे 5, 7, 9 या 10 फिर वापस 10 और 9 और 8। तो यहाँ पर हमने देखा कि श्रम हमने क्या कर रहे हैं, तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर भूमि और श्रम का अनुपात क्या था, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 एंड 1:6। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अल्पकाल है उसके अंदर, क्योंकि भूमि है भूमि साधन को हमने स्थिर माना है, लेकिन हम श्रम के घंटों को बढ़ा रहे हैं, तो कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो भूमि और श्रम का जो अनुपात है वो बदल रहा है। इसलिए इसे कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो साधन है
उसका अनुपात बदलता रहता है, इसलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन को साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। और क्योंकि साधनों में परिवर्तन हो रहा है जिससे उत्पादन में भी परिवर्तन आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। क्या कहते हैं बच्चों? परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम, क्योंकि प्रतिफल के रूप में उत्पादन में भी चेंज आ रहा है। अब इसी अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम क्या कहें? घटता हुआ सीमांत उत्पादकता का नियम। क्यों कह रहे? तो आप इसे अच्छे से देखिए, जब हमारा भूमि स्थिर है और श्रम की इकाई को बढ़ा रहे तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा उत्पादन पहले तो बढ़ रहा है, फिर स्थिर हो रहा है, वापस घट रहा है। तो ये हो गया घटता हुआ सीमांत उत्पादकता का नियम। क्योंकि हमने हमारे जो घटता हुआ सीमांत उत्पादकता का या सीमांत उत्पादकता का नियम हमने पहले भी देखा है कि जैसे जैसे हम उपभोग को भी बढ़ाते हैं तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता का नियम, क्योंकि हमारा उपयोगिता कम होती जाती है। तो सेम वही सिस्टम अपना यहाँ पर भी लागू रहा है बच्चों, कि जैसे जैसे हम हमारा स्थिर साधन को तो हमने स्थिर रहने दिया लेकिन श्रम के घंटों को बढ़ा रहे तो उत्पादन पहले तो बढ़ता है फिर स्थिर और फिर घट रहा है, इसलिए से घटता हुआ सीमांत उत्पादकता का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों आज अपन ने देखा कि जो उत्पादन फलन है उसको दो भागों में बांटा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन को एक बार फिर देख लीजिए, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि ये छोटे कम टाइम के लिए होता है और उसमें सभी साधनों में परिवर्तन संभव नहीं है। कुछ साधन को इसमें स्थिर माना जाता है और कुछ को परिवर्तनशील माना जाता है, इसीलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, क्योंकि अनुपात बदलता रहता है, और घटता हुआ सीमांत उत्पादकता का नियम भी कहते हैं। अब जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है उसके अंदर अपन देखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उसमें उत्पादन के सभी साधन, श्रम, पूंजी, अने सभी के अंदर हम चेंज करेंगे और फिर इसके आधार पर इसको और भी इसकी जो टाइप से पढ़ेंगे, इसे पैमाने के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, स्थिर अनुपातों का नियम भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के और कई नाम से किस किस नाम से जाने जाते हैं और फिर उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो बच्चों आज अपन ने अल्पकालीन उत्पादन फलन देखा, इसके जो नोट्स हैं इसके फोटो मैं अपलोड कर रही हूँ। और बच्चों एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप मेरी वीडियो देखते हैं आपको इसमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप इसके अंदर कमेंट्स बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिखिए ताकि मैं उसके डाउट्स को आपको क्लियर कर सकूँ, ठीक है? तो अब इसके नोट्स वगैरह उतार लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।